हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। दिस इज साधना। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सी टेट ने सारे पेपर्स अपनी ऑफिशियल साइट पर रिलीज़ कर दिए हैं, तो आप c.nice.in की वेबसाइट पर जाके अपना पेपर चेक कर सकते हैं। एंड ये सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है एंड यहाँ पर लिंक दिया है सी टेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर्स, तो हम क्लिक करके चेक करेंगे। ये सिलेक्ट एग्ज़ाम डेट आपका जिस डेट में हुआ है आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो, और ये उससे इतना अलग है जो आपका रिस्पांस की आई थी कि उसमें एक ही लैंग्वेज में दिया हुआ था, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो हम 6 जनवरी का सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट द पेपर, पेपर कौन सा, फर्स्ट है या सेकेंड है, तो फर्स्ट पेपर देखते हैं पहले। अब चेक कराएगा, अब वो सिलेक्ट कराएगा कि आपका लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी टू इंग्लिश चेक करेंगे हम। एंड पेपर डाउनलोड हो, पेपर अब डाउनलोड हो रहा है और मे बी जल्दी अब रिज़ल्ट आउट हो जाएगा सी टेट का, क्योंकि ऑफिशियल सारे क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं, तो 4 से 5 दिन में हो सकता है रिज़ल्ट आ जाए। यह CBSE बोर्ड कंडक्ट कराता है सी टेट का रिज़ल्ट, और ये 150 क्वेश्चंस हैं जो कि सारी क्वेश्चंस दिए हैं 5 सेक्शंस के। तो हम सेक्शन CDP का सॉल्व करते हैं, 6 जनवरी 2022 का पेपर एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेस्ड फ्रॉम डैश टू डैश। बच्चे का डेवलपमेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, टॉय टू हेड होता है, एक्सट्रीम्स टू सेंटर होता है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और बाकी सभी गलत हैं, क्योंकि बच्चा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट डेवलप करता है, हेड टू टॉय करता है, कि पहले बच्चे का सर डेवलप होगा जब बच्चा पैर की तरफ डेवलप होता है, एक्सट्रीम टू सेंटर नहीं होता, सेंटर टू एक्सट्रीम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रंस फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रंस फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। ये कह रहा है कि जो एक हाई इनकम फैमिली के बच्चे होते हैं उनका दिन लो इनकम फैमिली वाले परिवारों से अलग होता है, तो ऑब्वियसली अलग ही होगा, क्योंकि अगर एक परिवार की फैमिली की इनकम ज़्यादा है तो उसके परिवार के बच्चों का दिन भी अलग ही वे में गुजरता होगा। और रीज़न दिया है, चिल्ड्रंस इज़ नॉट यूनिवर्सल चाइल्डहुड इज़ नॉट यूनिवर्सल एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड। कि बचपन जो है, बाल्यावस्था जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि बाल्यावस्था जो होती है वो यूनिवर्सल होती है। अगर एक इंडिया का बच्चा 2 से 12 वर्ष की अवस्था में, बचपन अवस्था में है, तो USA का बच्चा किशोर अवस्था में तो नहीं होगा, वो भी चाइल्डहुड में ही आएगा। तो 2 से 12 वर्ष की अवस्था को चाइल्डहुड कहा गया है, तो चाइल्डहुड क्या है, यूनिवर्सल है। अगर USA का बच्चा 2 से 12 वर्ष की अवस्था में अगर चाइल्डहुड में होगा, तो चाइना का, इंडिया का एंड ऑल्सो अदर कंट्री का भी बच्चा चाइल्डहुड में ही होगा, तो ये गलत है। लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड, ये सही हो सकता है कि डाइवर्सिटी होती है बचपन में, तो इसमें ये यूनिवर्सल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड लर्न्स टू ग्रास्प लार्ज थिंग्स। बच्चा एक बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखा है विद हैंड्स बिफोर लर्निंग टू पिक्स अप अ पी, ठीक है, यूजिंग फिंगर्स। तो ग्राफ्स विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, यानी कि ये किस प्रकार के डेवलपमेंट का उदाहरण है, कि बच्चा पहले अपने हाथों से बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखा है, उसके बाद वह छोटी चीज़ों को पकड़ना सीखा है उंगलियों से, तो ये किस प्रकार का सिद्धांत उदाहरण है। तो ये है समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत, कि बच्चा ने पहले, मतलब बच्चे का पहले बड़ा सेंटर में उसका डेवलपमेंट हुआ है, देन उसका उंगलियों पे कंट्रोल आया है, कि पहले बॉल जैसी, पूरे हाथ से वो बॉल जैसी चीज़ों को पकड़ पा रहा है जो बड़ी चीज़ है, उसके बाद देन वो उंगलियों से चीज़ों को पकड़ पा रहा है, तो सेंटर टू आउट वो डेवलप कर रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, प्रोक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट इज असर्शन दिया, चिल्ड्रंस लर्न नॉलेज स्किल्स वैल्यूज कस्टम्स ऑफ सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली। कह रहा है कि बच्चे जो ज्ञान है, स्किल्स यानी कौशल हैं, मूल्यों को, रीति रिवाजों को, समाज की जो भी होती हैं, उन्हें सिर्फ बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। एंड रीज़न दिया है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। सामाजिकरण जो है एक सिंपल और एक लीनियर प्रोसेस है,
तो इसके असरसर रीज़न दोनों ही गलत हैं, क्योंकि बच्चा सिर्फ ज्ञान को, कौशलों को और मूल्यों को, रीति रिवाजों को समाज की सिर्फ माता पिता से नहीं सीखता, बाकी पीयर्स में, समाज में, विद्यालय से, वो अलग अलग जगह से, एकेडमी से स्किल्स, वैल्यूज़ और नॉलेज और कस्टम्स ऑफ सोसाइटी सीखता है। तो ओनली पेरेंट्स से सीखता है, ये गलत है। और सोशलाइजेशन एक लीनियर एंड सिंपल प्रोसेस है, ये भी रीज़न भी गलत है। तो इसका आंसर होगा 4, बोथ इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रंस इज डेज स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी एक बच्चे की अवस्था है जिसमें बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है, बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शन कैन बी रिवर्स्ड, यानी कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पानी बर्फ, बर्फ पानी बन सकता है, एंड देयर जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। उसका जो जजमेंट है केवल इमीडिएट अपीयरेंस, जो चीज़ें उसे दिख पाती उन्हीं के प्रति उसका जजमेंट रहता है। तो ये किस प्रकार की स्टेज में है? तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था मानी गई है अकॉर्डिंग टू प्याजे, एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता। ये सही है कि किस स्टेज में रियलाइज़ नहीं कर पा रहा, एक्शन रिवर्स्ड होते हैं, पानी बर्फ, बर्फ पानी बन जाता है, ये प्री ऑपरेशनल में नहीं आ पाता, 2 से 7 वर्ष की जो अकॉर्डिंग टू प्याजे स्टेज मानी गई है। कॉन्क्रीट स्टेज आते आते रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। फॉर्मल स्टेज ऑपरेशनल, ये तो हाईएस्ट स्टेज है डेवलपमेंट की। तो जो इसका जो आंसर होगा वो मे बी अकॉर्डिंग टू कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आ जाता है, तो सेंसरी मोटर में आ जाता है, और बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकता तो ये प्री ऑपरेशनल में भी होता है। तो मे बी इसका आंसर ए बी में से कोई एक होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर में आ जाता है अकॉर्डिंग टू प्याजे, एंड रिवर्स नहीं कर पाता बच्चा, ये प्री ऑपरेशन में आ जाता है। तो इसमें दोनों बच्चों के गुण दिए हैं। अब देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर इसका क्या रहता है। ए बी में से एक होगा, मे बी 99% ए आंसर हो, बट मे बी 1% बी को वो मान सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि रिवर्सिबिलिटी नहीं कर सकता बच्चा चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 children who are in pre-operational stages, teacher should, pre-operational stage है according to प्याजे, pre-operation 2 से 7 वर्ष तक का एक बच्चा है, टीचर को क्या करना चाहिए? Use concrete props and lot of audio visual materials, depict hierarchical relationship through complex diagrams, यानी बहुत ही जटिल चीज़ें उसके सामने present करनी चाहिए, gives abstract problems to work upon and give अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी कि एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग, या फिर बच्चे को, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यूज़ कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड अलॉट ऑफ ऑडियल विजुअल मटेरियल, यानी कि एक टीचर को अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है तो टीचर को कॉन्क्रीट मटेरियल का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और ऑडियो विजुअल मटेरियल का ऑल्सो, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, तो वो कॉन्क्रीट जो चीज़ें दिखती हैं हम उसको इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, जो बच्चे उन्हें देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं प्रेजेंट करने चाहिए, बच्चा समझ ही नहीं पाए, और अब्स्ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शन में अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स का कह रहा है, तो अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज़ें हम नहीं प्रेजेंट करेंगे बच्चे के सामने, अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम जो मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो डेवलप होती है वो 11 वर्ष के बाद जाके डेवलप होती है, तो ये मटेरियल हम नहीं यूज करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे के लिए। और हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो आती है वो भी 11 वर्ष के बाद ही आती है। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट होगा कि कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड अलॉट ऑफ ऑडियोविजुअल मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ये बच्चा 2 से 7 वर्ष की स्टेज में बहुत छोटा होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्क्रीट चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का कौन सा एग्जाम्पल सही है? स्कैफोल्डिंग जो कि लेवाइगोत्स्की ने बात की थी स्कैफोल्डिंग पे, कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जहाँ बच्चा अटक रहा है तो वहाँ बच्चे को हम हिंट दें, तो ये टेम्प्रेरी हेल्प इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिडक्टिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस, प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक अवार्ड्स, इनेबलिंग कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो इसका जो आंसर होगा प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, मतलब कि हम बच्चे को थोड़ी हिंट देंगे, क्यूज देंगे, थोड़े इशारे करेंगे बच्चे के लिए, मतलब संकेत और इशारे देना बच्चे को,
किसका आंसर होगा सेकंड इज द राइट आंसर। स्कैफोल्डिंग संकेत और सारे देना, हिंट देना बच्चे को, टेम्परेरी हेल्प देना। कब देना है? जब बच्चा जहाँ अटके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबायगोत्स्की बिलीव्ड दैट, लेबायगोत्स्की बिलीव करते थे लर्निंग इज द मेयर एब्सक्रप्शन ऑफ नॉलेज, लर्नर इज द कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टू रिवॉर्ड, नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स इन अ पैसिव मैनर, नॉलेज द को कंस्ट्रक्टिव इन अ जोन ऑफ वॉट चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये फोर ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि लेबायगोत्स्की मानती थी कि नॉलेज को कंस्ट्रक्टिव है, जोन है एक जिसमें बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद से क्या सीख सकता है, जिसमें बच्चा नॉलेज को खुद से ही कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और विद हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की मदद से, यानी समाज में रह के पीयर ग्रुप्स में, इसकी बात करते हैं लेबायगोत्स्की। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहाँ बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करे और दूसरों की मदद से करे। तो आंसर इज फोर। नेक्स्ट इज एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी इज ऑफ इंडिविजुअल रीजंस दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोशल लॉज। मतलब रीज़न लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार कौन सी डेवलपमेंट की थ्योरी ये रीज़न देती है कि ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी मानव के अधिकार और न्याय मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं यद्यपि वे किसी समाज के नियम के अगेंस्ट भी हों। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेशन ओरिएंटेशन, या फिर यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनेशन ओरिएंटेशन। तो थर्ड इज राइट आंसर, यूनिवर्सल में सभी के भले की बात होगी, एंड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में बच्चा छोटा होता है जो कि पनिश काम तभी करता है कि उसे पनिश किया जाएगा, इस डर से काम करेगा। गुड गर्ल गुड बॉय में होगा कि बच्चा इसलिए काम करेगा कि उसकी प्रशंसा हो, वो अच्छा है। तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट इज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग प्रगतिशील कक्षा में अधिगम है इज अ सिंपल प्रोसेस, इज अ सोशल प्रोसेस, टेक प्लेस ऑफ द थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, इज कंडीशनल अपॉन एग्जाम्स। तो ये जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग होती है वो इज अ सोशल प्रोसेस होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या सही है, इंटेलिजेंस कांट बी नेचर्ड एंड ग्रो, ईच इंडिविजुअल प्रोसेस डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कोफिशेंट इज अ सक्सेसफुल प्रेडिक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन क्लास एंड मोर इंटेलिजेंस देन अदर्स। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमताएँ होती हैं, यानी कि वे कहते हैं जो गार्डनर ने दिया था ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द प्राइमरी लेवल नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 प्रोसेस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अक्रॉस द नेशन, हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड मदर टंग, यानी किस लेवल की बात कर रहा है 2020 NEP 2020 प्राइमरी लेवल पे। तो प्राइमरी लेवल पे जो लैंग्वेज जो मीडियम माना था भाषा का, तो वो हिंदी माना, इंग्लिश या संस्कृत या मदर टंग को, तो जो प्राइमरी जो लेवल होता है उस पे मदर टंग का यूज़ किया जाए, यानी कि जो घर की भाषा है बच्चे की, मदर टंग मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड क्लासरूम। जो फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट है लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स, यानी कि एक लचीली क्लास की व्यवस्था है जिसमें बच्चा ग्रुप्स में लर्नर्स जो हैं अधिगमकर्ता जो हैं ग्रुप्स में सीख रहे हैं, तो किस प्रकार की कक्षा का की विशेषता है, बिहेवियरिस्टिक है या सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लास है। तो जब पीयर्स ग्रुप में काम करें तो ये सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है। तो इसका आंसर होगा सेकंड।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड इनेबल अ टीचर टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इन हर क्लास. यानी किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा. स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, यानी कि विविधता है और यूनिफॉर्मिटी कर दी गई क्लास में यानी सभी के लिए एक जैसा, तो ये गलत है. टोटल सेंटर्ड अराउंड एग्ज़ाम्स, यानी सिर्फ एग्ज़ाम्स के अराउंड सेंटर्ड कर दिया जाए. टोटल सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, या कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के अराउंड ही कर दिया जाए क्लासरूम को. या फिर इंगेजिंग एंड कंस्ट्रक्चुअल, तो इंगेजिंग यानी कि संलग्न व संदर्भित करके, तो इस तरह से विविधताओं का ध्यान रख सकते हैं हम कक्षा में संलग्न और संदर्भित. तो आंसर होगा इसका 4. तो अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए विविधता को और संदर्भित करना चाहिए उसको. नेक्स्ट, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी 2020, टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, मेजरिंग प्रोडक्शन एंड रिकॉल, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टू अराइव द पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री. तो इसका जो आंसर सही होगा वो थर्ड होगा, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बच्चों की प्रगति अधिगम में प्रगति को प्रक्रिया को मदद करने में. रटने की क्षमता के लिए हम असिस्ट नहीं करते अकॉर्डिंग टू NEP. पूर्ण उत्पादन व याद करने की क्षमता वे पूरे देश में बच्चों की सिर्फ तुलना या मापदंड के लिए, या फिर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना. तो ये थर्ड आंसर इज़ राइट, कि बच्चे का जो मूल्यांकन करने का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है. बच्चा मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चा कहाँ है और उसको कहाँ प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव मीन्स, इंक्लूसिव का इंक्लूजन का मतलब क्या है, यानी समावेशी का क्या अर्थ है. एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज, इग्नोरिंग द बैरियर्स दैट क्रिएट अनडू एफर्ट्स एंड सेपरेशन, प्रमोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनटॉलरेशन ऑफ डिफरेंसेस, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट. सभी विद्यार्थियों को अपने सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाले बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना, मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, या भागीदारी और छुड़ाव के असमान अवसर. तो जो समावेशन का जो अर्थ होता है वो होता है, समावेशन का अर्थ होता है सभी को समावेश कर लेना, ठीक है. तो सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर, यानी कि वो किस, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका कल्चर क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आएँ, किस समाज से आएँ, इसको बिल्कुल इग्नोर करके हम क्या करेंगे, उन्हें अपनाएंगे. तो ये समावेशी कक्षा का या समावेशन का अर्थ है. इसका आंसर होगा 1st. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सक्सेसफुल इंक्लूसिव स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाई द टीचर. विद्यार्थी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए. एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, गिव प्रायोरिटी टू एक्सपीरियंस ऑफ डोमिनेट ग्रुप्स, इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इन कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ टीचिंग, प्रैक्टिसाइज कल्चर सेंसिटिव इन क्लासरूम. तो ये हर विद्यार्थी की पहचान है और उसको सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता दें, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदना का अभ्यास करें. तो किससे बचना चाहिए, इनकॉर्पोरेट कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें. तो ये फोर इज राइट आंसर, कक्षा में सांस्कृतिक कल्चर सेंसिटिविटी इन क्लासरूम, इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट, फोर इज राइट आंसर. विविधता, हम शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करेंगे, और विविध डाइवर्सिटी से आए हैं, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता देंगे. तो गिविंग प्रायोरिटी टू एक्सपीरियंस ऑफ डोमिनेट ग्रुप, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता देंगे. तो ये सेकंड वाला रॉन्ग होगा, कि प्रभुत्वशाली जो समूह हैं सिर्फ उन्हीं को प्राथमिकता देंगे,
तो ये गलत होगा, इसी से बचना है। तो नेगेटिव पूछा है, फर्स्ट इज राइट, विद्यार्थी की पहचान और उसका सम्मान करेंगे और शिक्षण की सामग्री में विविधता को शामिल करेंगे, डाइवर्सिटी को हम शामिल करेंगे टीचिंग में, क्योंकि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, तो प्रभुत्वशाली समूहों को अनुभवों को प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट इज डिसलेक्सिया इज अ प्राइमरी एसोसिएटेड विद डिफ़िकल्टी इन रीडिंग सिंगिंग थिंकिंग वॉकिंग। तो जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग डिसऑर्डर है, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग इंक्लूजन्स ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। अलाउ ओनली फिक्स्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशंस एट्रीब्यूट्स फेलियर टू लेक ऑफ एबिलिटी। गिव वेरी लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट असेसमेंट्स प्रोवाइडिंग सर्वर्स अल्टरनेटिव ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दें, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, बहुत लंबे बारंबार दंतकार्य दें, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो हम बच्चों को बहुत सारे विकल्प देंगे अधिगम, अगर बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको हम सूचना प्राप्त करने के लिए मल्टीपल्स विकल्प देंगे बच्चे को, तो फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट विद गिफ्टनेस, अगर ये गिफ्टेड बच्चा है, प्रतिभावान साली बच्चा है, तो उसकी क्या पहचान, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर के नीचे प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, या में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। तो समझ का अभाव नहीं होता बल्कि वो जल्दी समझ लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा कि जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान पूछी है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ टीचर शुड हर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गैसेस टू आंसर अ क्वेश्चंस, इनकरेज इग्नोर पनिश रिस्ट्रिक्ट। तो ये कह रहा है अ टीचर शुड हर स्टूडेंट टू मेकिंग इंट्यूटिव गैसेस आंसर इस क्वेश्चन, तो उसे इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज 22 क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट टू एलोबरेट ओनली अ रिसेंटली लर्न कंसेप्ट। विद्यार्थी का हाल ही में सीखे गए संप्रत्य का विस्तारण में मदद करते समय किससे बचना चाहिए, विभिन्न उप संप्रत्यों के बीच संबंधों का क्रियान्वित करना, संप्रत्य के साथ उदाहरण गैर उदाहरण बनाना, अधिग्रहित जानकारी के नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, तो फोर इज राइट आंसर। ये कह रहा है किससे बचना चाहिए, तो बोर्ड पर सिर्फ लिख के उन्हें सिर्फ वो समझे ना समझे सिर्फ उसे नकल करने के लिए कहते रहना, ये गलत है कि संप्रदाय का विस्तारण में या मदद करने में सबसे गलत तरीका है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स फेलियर कैन बी मिनिमाइज्ड वाई इम्प्लीमेंटिंग अ कैरिकुलम विच इज़ द कनेक्टेड टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट हाईली चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स इररिलेवेंटेड टू देयर एवरी डे लाइफ मूविंग फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल। किसी तरह की पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता को कम किया जा सकता है जो उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण जटिल हो, जो उसके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, यानी कि उसके दैनिक जीवन से जुड़ा ही ना हो, जो अमूर्त से सरल हो। तो इसका जो आंसर होगा विफलता को कम किया जा सकता है, तो वो होगा उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट इज फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप कॉम्पिटेटिव कल्चर इन क्लासरूम, गिव स्पेस टू चिल्ड्रन व्यू एंड एक्सपीरियंस, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन डिसकनेक्टेड चॉक्स एंड प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स विच आर द नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है सार्थक सीखने के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचार और अनुभवों को जगह देना। तो जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव है तो सार्थक मीनिंगफुल लर्निंग वहीं हो रही है, तो बच्चा यहाँ पे एक्टिव ज़्यादा है कि बच्चे के जो थॉट हैं जो उसके एक्सपीरियंस हैं उन्हें हम जगह दे रहे हैं, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाई टीचर व्हाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स।
विद्यार्थी को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षकों ने विधियों से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें, फिर सरल को आगे बढ़ें, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ें। तो ये गलत तरीका है कि पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट फर्स्ट करेंगे, फिर मूव करेंगे सिंपल की तरफ, जबकि होना क्या चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कि पहले हम सरल चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे देन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड ही इसका गलत होगा, इसी से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट इज आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आर स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग वे वॉट क्यूज हेल्प्ड हर बाय डूइंग सो स्टूडेंट इज डेवलपिंग। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है किस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास किस प्रकार का विकास है, ये विलंबित नकल है, आत्मकेंद्रता है, अधिसंज्ञान है या अति औचित्य है। तो ये जो है बच्चा मतलब अपनी थिंकिंग के बारे में ही थिंकिंग कर रहा है, तो ये अधिसंज्ञान होगा यानी मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड एल्गोरिदम ह्यूरिस्टिक्स मीन्स एंड एनालिसिस एंड निमोनिक्स। तो ये कैसा किसका उदाहरण, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है, कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण या फिर स्मृति सहायक विधि। तो ये जो होगी स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड मीन्स एंड एनालिसिस, थर्ड इज राइट। नेक्स्ट इज मिसकंसेप्शन यानी कि भ्रांतियाँ क्या कहलाती हैं विद्यार्थियों के बीच, अत्यंत गलत हैं, तर्कहीन हैं, उच्च क्रम की भावनात्मक बौद्धिक क्षमताएं हैं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ है या फिर गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा कि नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, यानी कि ये बच्चे की जो अवधारणा है वो भोली और सहज समझ है बच्चों की, ये नेचुरल है, जो भ्रांतियाँ होती हैं बच्चे की वो प्राकृतिक होती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमॉन्ग स्टूडेंट्स व्हेन फेलियर इज सीन एज अ कॉज बाय वन सेल्फ, यानी कि निम्नलिखित कौन सी स्थिति विद्यार्थी में गर्व का कारण बन सकती है, जब असफलता का कारण वह स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है या जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, यानी कि कौन सी विद्यार्थी का ऐसा कारण है जो विद्यार्थी में गर्व का कारण बनती है, कि बच्चा ये समझे कि मैं अगर असफल हुआ हूँ तो उसका कारण मैं स्वयं हूँ, या फिर ये जाने कि जब मैं असफल हुआ हूँ तो उसका कारण दूसरे हैं, या ये जाने कि जो मेरी सफलता हुई है वो स्वयं के कारण से हुई है, या फिर यह कारण कि जो मेरी सफलता हुई है वो दूसरों को माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि जब बच्चा अपनी असफलता का कारण स्वयं को मानता है तो ये विद्यार्थी में गर्व का कारण बनती है, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंट्रैक्टिव मोटिवेशन, वो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, फर्स्ट इज मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है, नेक्स्ट मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए यानी पनिशमेंट से वो डर के, तो ये बाहरी मोटिवेशन है, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिलेगा तो फर्स्ट आने के लिए मैं पढ़ रहा है, ये भी बाहरी मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, एंड नेक्स्ट इज मुझे साथियों से प्रशंसा मिलेगी तो वो प्रशंसा प्रभुत्व पाने के लिए अध्ययन कर रहा है, तो ये भी बाहर मोटिवेशन का उदाहरण है। तो जो भी चीज़ें हमें बाहर से मिलती हैं उनके लिए अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो बाहर मोटिवेशन है। तो आंतरिक प्रेरणा कुछ उदाहरण है वो है सिर्फ अपने समझ को बढ़ाने के लिए या फिर पसंद से वो काम कर रहा है तो बाहर मोटिवेशन का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो ये थे 30 क्वेश्चन आज के, जो कि CDP के 6 जनवरी 2022 के पेपर से लिए गए थे। तो आप अपने क्वेश्चंस मिला सकते हैं और बाकी पेपर्स भी आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट CTET.NICE.IN पर जाकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।